आज बर्फबारी भी हो रही है और सर्दी भी मुझे नहीं लग रही। जिप लाइन जो है माशाल्लाह जी साइकिल वाली चल रही है आज, ये भी एक जबरदस्त एक्टिविटी है। अभी बाबूसर टॉप नहीं आया, हर तरफ जो है पहाड़ों ने वाइट चादर ओढ़ ली हुई है और स्नोफॉल भी काफी तेज चल रही है। हाँ जी, तो हाँ भाई हम हो चुके हैं रेडी और हम जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे, हम बाबूसर टॉप जा रहे हैं और आपको दिखाने वाले हैं। रात से जी 12 बजे से बारिश शुरू है और सुबह के बज रहे हैं 8, अभी तक बारिश स्टार्ट है और देखते हैं अभी क्या बनता है। बाबूसर टॉप पे जी स्नोफॉल होने वाली है, कन्फर्म है कि बाबूसर टॉप पर हमें स्नो मिलेगी। और अगर सफ़र करते हैं शुरू, सब रेडी हो चुके हैं, गाड़ी निकालने का थोड़ा मसला हो सकता है क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो 3 गाड़ियों के पीछे जो खड़ी है। अब देखते हैं क्या बनता है। और ऊपर जो है पहाड़ों की चोटियों पे जनाब रात से बर्फबारी हो रही है, अगर यहाँ पे हो रही है तो इसका मतलब बाबूसर टॉप पे भी हो रही होगी। ओके, अब ना हमारी टीम रेडी हुई कि नहीं, सब रेडी हो चुके हैं तो गाड़ी जाओ यार, उसको बोलो गाड़ी निकलवानी, निकलाओ। लो जी, रात से जो बारिश शुरू है वो थमने का नाम नहीं ले रही और हम भी रुकने का नाम नहीं लेने वाले। हम भी होटल से निकल पड़े हैं और नारायण बाज़ार के अंदर जी इंटर हो चुके हैं सुबह के 8:16 पे। तो अभी हमारा जो रुख है वो है जी बाबूसर टॉप की तरफ, तो देखते हैं हम कहां तक जा पाते हैं या बाबूसर टॉप तक जा पाते हैं तो आपको बर्फबारी दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो नारायण की जो रात को फुल गहमा गहमी वाला माहौल था ना, वो थोड़ा अभी ठंडा पड़ चुका है। बारिश ने जो है ना थोड़ा क्या कह सकते हैं, लोगों को कमरों के अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया है, मगर कुछ हमारे जैसे जियाले जो हैं वो निकल भी पड़े हैं, जैसे कि हमारे आगे गाड़ी है, कुछ लोग और हम हैं। जैसे जी नारायण बाज़ार जो है वो बस अब फिनिश होने वाला है और इसके बाद आए कैफल मलूक चौक। और जो जनाब यहाँ से अभी झील रोड निकल रहा है राइट साइड पर और हम सब जाने वाले हैं सीधे बाबूसर टॉप की तरफ, आगे वही रास्ता गिलगित भी जाता है। ये जी आ गया राइट वाला जो ये होंडा खड़ी, इस तरफ जी जाना हो झील लेक जो लेक सैफल मलूक की तरफ तो आप लोग जा सकते हैं, हम नहीं जाने वाले क्योंकि हम अपनी 4x4 घर छोड़ के आए हैं और हम हैं कार पे और इसलिए अभी हमारा कोई इरादा नहीं है रेंट पे लेने का। यार जरा पानी रहती वाइट सी ना, वो लाल होया पे है। ये रेड रेड क्यों रखे हुए हैं इन्होंने, लगता एक रेड घूम के ना हवा से इधर आ गया। चलो उनकी मेहरबानी जो हमें रास्ता दे, शुक्रिया भैया। लो जी, ये सारी जीपें खड़ी हैं दोनों तरफ जो हैं, लालाजार जाने के लिए, बाबूसर टॉप जाने के लिए, जो है लेक सैफल मलूक जाने के लिए। तो जो दोस्त अपनी करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। तो हमारे लेफ्ट साइड पे है पिट्ठी सी। लो जी, आज बेचारे कश्ती रानी वाले भी सारे जो है ऐसे जो है ना स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं जैसे फार सेल हैं। बेसिकली है ये फार सेल नहीं है भैया, ये वाली सारी कश्तियाँ माशाल्लाह जी चलती हैं अगर मौसम नॉर्मल हो, बारिश ना हो तो देखो कितनी ज़्यादा हो माशाल्लाह। तो आप आके यहाँ पे पर हेड के हिसाब से कुछ चार्जेस होते हैं, मेरा 500 to 600 में भी कंफर्म नहीं है, आप पता कर सकते हैं आके खुद भैया जो लेना चाहे ये राइड। तो ये ज़बरदस्त एक नज़ारा है और यहाँ पे आगे जिप लाइन है, जिप लाइन भी आज बंद है जी। एक तो सुबह सुबह का टाइम है, ऊपर से बारिश ने रात का जो है क्या थमने का नाम नहीं ले रही है। जो डंडे हैं ना नीले वाले, ये जिप लाइन के उधर से चलती है और यहाँ पर आती है। तो हाँ जी, बस यही है। तो हम चल रहे हैं जी आगे और क्या क्या हालात हैं आगे आपके साथ शेयर करते हैं जी। पानी बारिश की वजह से हालात हो रहा है, ऊपर से लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है खैर के लाइट स्लाइडिंग वाला माहौल हो मेरे ख्याल में, लेकिन यहाँ पहाड़ों का कोई पता नहीं चलता कब क्या मूड बन जाए जी। हम जी बाबूसर टॉप की तरफ रवा दवा है और आगे जनाब बहुत ही खूबसूरत छोटा सा आबशार का व्यू है जो आपके साथ शेयर करते हैं, ये वाला ज़बरदस्त। और अभी अपना बारिश की वजह तो ना छोटी तो बड़ी हो गई है। ओहो, है असल में है भी 3-4 स्टेपों में है भी बहुत बड़ी है, जबरदस्त है। पानी आ गया है और ऊपर से पत्थर भी, ये चश्मों का पानी की मकदार वो भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। ओहो, लेकिन ये कोई इशू नहीं है, सेफली है। ये बेचारे डाले वाले बेचारे पीछे तरपाले लेके बैठे हैं जी। रिजवान
ग्लेशियर आ गए तू कह मैं किसी करनी है हैं इधर गड्डी ला ले तो किसी ला के नहीं आंदा है मैंने हाथ लाना है ग्लेशियर मैं ना बर्फ हाथ लाया भज के करा बहुत ठंड है फिर हुन की करना है नहीं लाना आज जी जी आ गया है बहुत बड़ा ग्लेशियर और ओला बहुत खैर है एडा वड्डा पत्थर को टूट गया जान दे गड्डी लाना वही ना मैं भजा गया ही इसको कट लिए बड़ा वड्डा पत्थर है यार तो जी जलखा डैम पहुंच चुके हैं और हल्की हल्की बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है अभी बाबूसर टॉप पे क्या हालात होंगे यार स्नोफॉल मिलने वाली है अभी जाके आपको दिखाते हैं ऊपर लाइव स्नोफॉल के नज़ारे ये गाड़ी को क्या हो गया ये नज़ारे लेने लगे हैं बर्फबारी के हम भी लेते हैं थोड़ा जलखा पीछे रह गए वो जो सीन आता नहीं देखो चांस बनाता हां वो अभी देखते हैं अभी हम इधर गाड़ी आते हैं और देखते हैं मैंने ये देखा मैं कहाँ खड़ा हूँ अभी मैं खड़ा हूँ जलखड़ और ये जलखड़ के नज़ारे हैं जनाब ये देख सकते हैं पीछे आप और यहाँ पे एक नीचे प्याला लेक है वो जिसे लोग अक्सर दिखाते हैं वो देखें ये है जी प्याला लेक ये वाली तो सोचिए आगे कितनी स्नोफॉल होगी जनाब वो आपकी गाड़ी चले जाएगी मैं तो वो सोच रही थी जाएगी जाएगी यार हम सर्फ छोड़ के इसको ले आए निकाल के ऐसे ही बस कि इसको जाएगी जरा पेट्रोल के पैसे बचत करने के चक्कर में मुझे मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि सर्फ सर्फ है एक तो ऊंचा है नीचे नहीं लगती और दूसरे नंबर पे थोड़ा जैसा भी रास्ता हो चल जाता है काम वाह वो नूरी टॉप वाला रास्ता है उधर से नूरी टॉप जाते हैं कश्मीर से और ये जनाब है जी अभी बाबूसर टॉप निकले मुझे सर्दी बहुत लग रही है अब नारायण आए और साथ में जो गर्मियों का ट्रिप के अंदर ही आपको स्नोफॉल मिल जाए तो क्या सीन होगा जी क्या सीन होगा मून रेस्टोरेंट आखिर मिल ही गया मून रेस्टोरेंट बेसल तो लाइव स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे हैं जी जा रहे हैं अभी लालूसर लेक उसके बाद जाएंगे बाबूसर टॉप क्या हो गया इतनी सर्दी नहीं है मैडम जितनी आप फील कर रहे हैं इतनी स्नोफॉल तो अभी फास्ट अभी तो ऊपर जाकर देखना क्या नज़ारे होंगे हम मून रेस्टोरेंट से निकल चुके हैं और ये जनाब नज़ारे हैं आप देख रहे होंगे पता नहीं सर्दियों के नज़ारे देख रहे हैं आप नहीं जनाब ये गर्मियाँ चल रही हैं जुलाई ये क्या होगा क्यों बज रहे लेकिन साड़ी स्क्रीन साफ नहीं हो रही हीटर साड़ा सही काम नहीं कर रहा तो जो स्क्रीन साफ करना सू ए सी लगाना पै है तो बाहर तो ठंड आई है तो अंदर भी माशाला नज़ारे ही नज़ारे ने लो जी लालूसर लेक पे पहुंच चुके हैं जैसे वो गाड़ी आ रही है आप देख सकते हैं उसके जो बोनट और लाइटों पे जो स्नो पड़ चुकी थी आपने वो वैगन नहीं देखी किस तरह पड़ी पड़ी हुई अच्छा नहीं मैंने उसको नहीं देखा इतनी ज्यादा पड़ी गाड़ी के ऊपर तो कुछ भी नहीं तो नज़ारे दोस्तों आपके सामने हैं जी हर तरफ बादल छाए हैं और कुछ हम गाड़ी लगाएंगे साइड पे और लालूसर लेक के जो है नज़ारे लेते हैं ड्रोन उड़ा नहीं सकते क्योंकि बर्फबारी में ड्रोन में भी वो ना ऐसा हो कि गड़बड़ हो जाए हाँ जी नहीं ले सकते बर्फबारी में ड्रोन तो नहीं ले सकते ऐसा ना होगा चीज की नजर हो जाए जून जुलाई में भी ये मौसम हो सकता है हम सोच सकते हैं और ऊपर जो पहाड़ हैं वो तो वाइट हो चुके हैं लेकिन नीचे भी जो है वो हो रहे हैं आस्ता आस्ता और ये लेक और ऊपर हर तरफ बादलों ने जो है चोटियों से चोटियों को कवर किया हुआ है और ये देखें जी स्नोफॉल आप देख सकते हैं जी क्या कहते हो आप जनाब जी जी देखिए आप ओह लाइव स्नोफॉलिंग जनाब एंजॉय कर रहे हैं जी फिनिशर आ गए पर लिए उन्होंने जी पढ़ लो मैं तो कहनी इथे आराम ना हां मैं साथ में शूज भी दे देती हूं शूज अपने तो आप ही लगने पता है हम गड्डी खोल के ध्यान लग के दूंगा तेरा भरा लेकिन ये ऊपर तरह जाके जो है टेम्परेचर और मजीद जो है गिर जाएगा सब थैंक यू आपने तो हमारी ईद बना दी हां जी ईद ईद को चार चांद लग गए जनाब जनवरी हमें मरी वाले सी थैंक यू सो मच जी सारे बच्चे बोले जी थैंक यू ओके कोई गल नहीं मैं कभी फखर ही नहीं किया आप एंजॉय करो बच्चो बस ना सिर्फ जा। लैके जाती
बड़ा माहौल बना दिया है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। इस जगह का नाम है खूनी मोड़ और यहाँ पे अक्सर ही ट्रैफिक है, यही आलम रहता है। पिछले दिनों और भी टिकटॉकरों ने वीडियो काफ़ी लगाई थी टिकटॉक पे कि ये खदारा गवर्नमेंट या कोई हमारे इदारे जो हैं इसके जो जिम्मेदार हैं वो थोड़ा ख्याल करें। क्या कमाल नजारे हैं यार, हर तरफ बर्फबारी ने जो है पहाड़ों को व्हाइट कर दिया और वो भी जुलाई के महीने में। भाई ये है जी गटीदास का इलाका नारान कागान वैली में और आप देख सकते हैं लाइव स्नोफॉल भी चल रही है और जो तकरीबन कह सकते हैं रात से या सुबह से हो रही है उसके मंजर आपके सामने। हर तरफ गटीदास के एरिया मैदान जो आजकल हमें जून जुलाई में, जुलाई 7 तारीख है, जो आजकल हमें लश ग्रीन नज़र आने चाहिए थे आज वो जी एक वाइट फुल नज़ारे हैं जी। जहाँ तक इजीली जाया जाएगा हम जाएंगे, नहीं तो हम वापिस आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है राणा साहब। हाँ जी मेरे को सीन देख लें जी आपके सामने है। अभी बाबूसर टॉप नहीं आया दोस्तों, लेकिन आपको मैंने कहा एक सीन दिखा दूं कि हर तरफ जो है पहाड़ों ने वाइट चादर ओढ़ ली हुई है और स्नोफॉल भी काफ़ी तेज़ चल रही है जो कि मेरे ऊपर आप देख सकते हैं ये लाइव स्नोफॉलिंग। और अभी हम बाबूसर टॉप पहुंचने वाले हैं, मेरे ख्याल में 2 से 3 किलोमीटर रह गया तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 से 3 इंच तक बर्फबारी जी हूँ तक हो चुकी है दोपहर के तकरीबन 12 बजे वाले ने। इसी बाबूसर टॉप पहुँचने वाले हैं, बस तुम आने की तरह नज़ारे लाइव स्नोफॉल के। आखिरकार हम बाबूसर टॉप पे पहुंच गए और लाइव स्नोफॉल आप देख सकते हैं यार, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। हाँ जी आ जाओ हम अपने लगोटे कस लो, जिन्हें जिन्हें बाहर आना फिर ना मनुके आज बर्फबारी तो लाइव बनने वाह प्रोग्राम का। ये देखो गाड़ी के ऊपर कितनी ऐसे लग रहा है जैसे मरी में गाड़ी नहीं खड़ी होती पुलिस वालों की और बर्फबारी हो रही होती, तो हर तरफ जनाब वाइट वाइट जबरदस्त बाबूसर टॉप के नज़ारे और फुल माहौल एंजॉय वाला। हर तरफ बर्फबारी ने जो है ना पूरा माहौल बनाया हुआ है जी, पूरा जो है हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो चुकी है। ओए जबरदस्त बाबूसर टॉप, किधर है बाबूसर टॉप, वो लिखा है बाबूसर टॉप, हम उसी के पास ही गाड़ी ली थी। थोड़ा इधर के वापस आया बर्फ बर्फ ही बर्फ है। लाइव स्नोफॉलिंग बाबूसर टॉप पे एंजॉय करते हुए और अभी हम निकलने लगे हैं बाहर। ओए दोस्तों बाबूसर टॉप पे हम पहुंच चुके हैं, जैसा मैंने बोला था कार को मानसेरा से आते हुए कि हमें शायद कल बर्फबारी मिलने वाली है बाबूसर टॉप में, कल की पेशेंट कोई थी मेरी और आज हम बर्फबारी एंजॉय कर रहे हैं बाबूसर टॉप पे। आ जाओ दिखाते हैं बाबूसर टॉप। ये भी हो गया रिकॉर्ड हमारे और गाड़ी हमारी ये पहुंच चुकी है और आज हम बाबूसर टॉप करने वाले। और यहाँ पे जिप लाइन जो है माशाल्लाह जी साइकिल वाली चल रही है आज, ये भी एक जबरदस्त एक्टिविटी है। इतनी बर्फबारी हुई है नीचे दिखाओ जरा,
हर तरफ बर्फबारी। ओह भाई आगे पीछे हम जब आते हैं तो बहुत सर्दी होती है लेकिन पता नहीं क्यों आज बर्फबारी भी हो रही है और सर्दी भी मुझे नहीं लग रही, पता नहीं क्यों। पहले हम आते हाँ नहीं तो पहले आए तो बाबू सर टॉप या जस्ट कुछ सेकंड ही गाड़ी से बाहर रह सकते हैं वरना गाड़ी के अंदर। ड्रोन उड़ा ले बस उड़ जाएगा चलेगा लाओ ड्रोन। जी तो दोस्तों हमने ड्रोन लाइव स्नोफॉल के अंदर फ्लाई कर दिया है, जो होगा देखा जाएगा। तो बात करते हैं जी नारान ट्रिप की और नारान के हवाले से। नारान कगान के आप टूर पे आएँ तो ये सबसे मेरे ख्याल में हाईएस्ट पॉइंट है जिस पे आप अपनी गाड़ी पे आसानी जो है आ सकते हैं। तो हम अक्सर बहुत दूर दराज इलाकों से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, केपीके से, जो गर्म इलाके हैं उन इलाकों से थोड़ा जो है ना राहत महसूस करने, ठंडक महसूस करने आते हैं। नारान में तो खैर रात को मौसम काफ़ी अच्छा ठंडा हो जाता है, लेकिन अगर आप बाबूसर टॉप ना आएँ तो ठंड नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ठंड यहाँ पे है, जो सर्दी यहाँ पे है, आप सोच नहीं सकते। आप देख सकते हैं जुलाई के महीने में जिन दिनों में बाकी सारे इलाकों में इतनी गर्मी है कि सांस लेना मुश्किल हुआ हुआ है, इसी जगह पे स्नोफॉल चल रही है लाइव, वो भी इतनी मकदार में। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं अभी तो स्नोफॉल की वजह से मे बी हवा कुछ कम चल रही है। अगर नॉर्मल दिनों में आप नारान के टूर पर आएँ तो बिलीव करें कि इतनी सर्दी शदीद होती है यहाँ पर कि आप चंद ही सेकंड बाहर निकलेंगे अगर आपने कुछ मुकम्मल बंदोबस्त नहीं किया हुआ गर्म कपड़ों का, जैकेट, शूज़ और गर्म ट्राउज़र्स वगैरह, उसके अलावा निकलना बाहर बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पे इतनी सर्दी होती है। तो वीरो जे पंजाबी की मिसाल है ठंड पानी है तो बाबूसर टॉप से पेंदी जे। तो ये जनाब नारान टूर में आएँ और बाबूसर टॉप ना आएँ तो नारान ट्रिप के साथ मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी। तो बाकी भैया मैं खुद एक बहुत जुनूनी सा टूरिस्ट हूँ जिसे बहुत घूमने का शौक़ है, जब भी मौका मिले तो मेरा दिल करता है मैं पहाड़ों की तरफ कहीं ऐसा हो के उड़ के पहुँच जाऊँ चंद ही मिनटों में। लेकिन खैर जितनी ज़िंदगी में फुर्सत होती है सफ़र करता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जो आपको कोई कमी लगे तो वो भी कमेंट में ज़रूर बता दिया करें, जो अच्छा लगे वो भी शेयर कर दिया करें दोस्तों। आपको नहीं किसी शायद और को उससे फ़ायदा हो सके या कुछ उसको हेल्प मिल सके कोई ट्रिप के हवाले से। तो देखें जी अभी हमारा सफ़र आगे शुरू है जी, तो हमारे साथ रहें, हमारी वीडियोस को देखते रहें और एंजॉय करते रहें। थैंक यू। लो जी हम निकलने लगे हैं बाबूसर टॉप से और बाबूसर टॉप को हम करने लगे हैं बाय बाय टाटा। हम जा रहे हैं अभी आगे चलास की तरफ, गिलगित की तरफ, या कह सकते हैं हम जा रहे हैं हमजा की तरफ। और अभी हम इंशाल्लाह आपको आगे दिखाएंगे जी खूबसूरत नज़ारे और हो सकता है हम आपको इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी आपके साथ फेरी मेडोज की, गिलगित बल्तिस्तान की सीरीज की, जीपी सीरीज की वीडियो आएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्दी ही, जो है फेरी मेडोज की। और उसके बाद जीपी सीरीज आपके साथ स्टार्ट करेंगे जी गिलगित बल्तिस्तान के कितने भी खूबसूरत प्लेसेस हैं वो सब इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो आप ये वाइट चादर जो ओल्ड है पहाड़ों ने माशाल्लाह बाबूसर टॉप ने, ये आप देखें जी जुलाई के महीने में अनएक्सपेक्टेड है कि इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती, कभी थोड़ी कभी कभार थोड़ी बहुत लेकिन इतनी ज़्यादा कभी नहीं होती। तो हमें दें इजाज़त इस वीडियो में बाबूसर टॉप तक की, तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, जीपी सीरीज स्टार्ट करेंगे और उसमें पहली वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह फेरी मेडोज की आएगी। तो मिलते हैं जी अभी आगे फेरी मेडोज के ट्रैक पर, वहाँ पे जीप का किराया कितना है, कितना पैदल चलना पड़ेगा, सारी डिटेल इंशाल्लाह अगली वीडियो में आएगी। तो तब तक के लिए हमें दे इजाजत, पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।